रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। सरकार द्वारा किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं और अब सरकार ने उनके तैयार उत्पाद की बिक्री के स्थान उपलब्ध करवाने के लिए नई पहल का आगाज किया है। हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश विविधीकरण फसल प्रोत्साहन योजना जायका के सौजन्य से हमीरपुर हथलखट पुल के पास अस्पताल सड़क पर निर्मित कलेक्शन सेंटर का शुभारंभ किया गया। सरकार द्वारा किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं और अब सरकार ने उनके तैयार उत्पाद की बिक्री के स्थान उपलब्ध करवाने के लिए नई पहल का आगाज किया है। हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश विविधीकरण फसल प्रोत्साहन योजना जायका के सौजन्य से हमीरपुर हथलीखट पुल के पास अस्पताल सड़क पर निर्मित कलेक्शन सेंटर का शुभारंभ किया गया। इसके माध्यम से हमीरपुर के किसानों के कृषि उत्पाद प्राकृतिक खेती के उत्पाद व स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध करवाए गए हैं। हमीरपुर में लगाए गए इस साप्ताहिक बाजार में किसानों द्वारा तैयार की गई ताजा सब्जियों के अलावा अन्य कृषि उत्पाद बाजार से सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाए गए हैं ताकि किसानों को प्रोत्साहित कर उनकी आर्थिकी को सुदृढ़ किया जा सके। उपनिदेशक जायका प्रोजेक्ट विनोद शर्मा ने बताया कि हमीरपुर में साप्ताहिक बाजार हर शुक्रवार को आयोजित किया जाएगा और इसमें किसानों द्वारा पैदा की गई सब्जी व अन्य उत्पाद बाजार से कम दामों पर उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि साप्ताहिक बाजार में किसानों के बैठने पर उत्पाद को रखने के सभी व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन अगर बाजार के अंदर को जगह मुहैया करवाता है तो वहाँ पर इस तरह के मेले लगाए जा सकते हैं। मैं हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत एक पहल शुरू की है कि वीकली मार्केट की, कि हर सप्ताह में एक बार यहाँ पर जो हमारे छोटे छोटे किसान हैं, हमारे जो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रोजेक्ट के बाहर वाले, वो अपने उत्पाद को यहाँ पर बेच सकें। दूसरा, कंज्यूमर जो है वो ताज़ा सब्जी और सस्ते दामों पर उसको एक जगह पे मिल सके। तो अगली बार भी, अगले फ्राइडे को भी, और हर हफ्ते हमने फ्राइडे रखा हुआ, उसको यहाँ किसानों के लिए हम ताज़ा सब्जी का बड़ा दाम बाहर से फिर से ला रहे हैं। तो इसमें एक तो जैसे आपने देखा कि मंडी में फार्मर को, जो छोटे किसान को पैसा नहीं मिलता, दूसरा उसका उत्पाद कम होता है, इसलिए वो मंडी में ले जाने में असमर्थ होता है। तो इस जहां हमने ये वीकली मार्केट का जो स्थान चयन किया है, वहां उनको बैठने की सुविधा मिलेगी, उनका उत्पाद ठीक रेट पे बिकेगा, दूसरा शुद्ध और वो उसमें केमिकल रहित होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये हमारा जो हमने पहल शुरू की है, हर हफ्ते ये हमारा जो वीकली मार्केट है सक्सेस रहेगी और फार्मर को भी फायदा मिलेगा और जो हमारे ग्रोअर हैं उनको भी फायदा मिलेगा। लेकिन एक तो पहले जो हमारा ये डिपार्टमेंट का ये एक अपनी जगह आई है, दूसरा यहाँ पर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ECH है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हॉस्पिटल है, तो वहाँ के लोग यहाँ आसानी से आ सकते हैं। अगर ये वो संभावना लगी कि कहीं और अच्छी जगह और जहाँ ज़्यादा लोग आ सकते हैं, वो भी हम कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे अभी तो ये लगा कि ये जगह सूटेबल, ज़्यादा सूट करती है। पार्किंग की व्यवस्था है, लोग पहुंच रहे हैं और जिसको पता लगे वो जरूर यहाँ पहुँचे। अगर हमें वहाँ कोई प्रशासन जगह मुहैया करवा देता तो हम जरूर वहाँ मिल जा सकेंगे, लेकिन यहाँ हमारे पास अपनी जो स्थान उपलब्ध है और साइड में भी है, ऑफिस काफ़ी हैं, जो जितने भी हमारे एम्प्लॉई हैं और दूसरे लोग भी हैं, वो आते हैं और उनको ताज़ा सब्जी मिलेगी। अपना उत्पाद बेचने आए हमीरपुर ब्लॉक के किसान कमल लखनपाल ने सरकार की इस योजना को सराहा है और कहा कि उनके द्वारा तैयार की गई मूली, गोभी, अदरक व अन्य फसलों को एक घंटे में बेच दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के किसान मेलों से किसानों को अपनी फसल बेचने में मदद मिलेगी और भविष्य में इसके लाभ जनता के साथ किसानों को भी मिलेगा। जो यहाँ ये मार्केट की सुविधा किसानों के लिए दी गई है जायका द्वारा, तो एक बड़ा अच्छा स्टेप था। आज पहला दिन था, पहली बार इसे शुरुआत की गई, तो मैं देख रहा था जो हमारा जितना प्रोड्यूस था 3-4 किसानों का, जो कि 40 किलो के लगभग मूली, 1 क्विंटल के लगभग किलो गोभी, 50 के किलो लगभग अदरक, तो उसको कम से कम एक घंटे में जो वो चीज़ें थी सारी,
वो समाप्त हो गई। इसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं और आने वाले समय में किसानों के लिए जो बिचौलियों की ये समस्या है उससे मुक्ति के लिए ये एक अच्छा स्टेप जायका द्वारा दिया गया हमें मंच है। और मैं इनको सभी जायका या एग्रीकल्चर जो भी डिपार्टमेंट इससे इस चीज़ से संबंधित है उनका मैं धन्यवाद करूंगा कि किसानों के लिए एक अच्छा उन्होंने ये तैयार किया है मंच ताकि किसान अपना प्रोडक्ट जो है वो अपने मूल्य और अच्छी गुणवत्ता के साथ उसको दे सकें। इससे पहले हम जो थे कहीं लोकल में कहीं मार्केट नहीं मिलती थी, कोई समस्याएं थी, कई बार हमारा बेचते चला जाता था, तो उससे भी अब हमें निजात मिलेगी क्योंकि हर हफ्ते हमें यहाँ स्थान मिलेगा। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है किसानों के लिए। प्रोडक्ट तो ये पहले भी लेडीज बनाती थी पर इनको प्रॉपर मार्केट नहीं मिलती थी। आज जायका के माध्यम से जो ये वीकली मार्केट लगाई है, आज फर्स्ट डे है इसका, हर फ्राइडे को ये मार्केट लगेगी और यहाँ पे हमें रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है। यहाँ से इम्प्लॉइज और सारे लोग आ रहे हैं और खरीद रहे हैं तो लेडीज़ को मार्केट एक ही जगह मिल गई, नहीं तो हमें ये कितने महीनों तक हमारा जो सामान था वो घर में डंप बना रहता था। यहाँ पे हमें अच्छी मार्केट मिल रही है और अब हम आगे से आगे हर शुक्रवार को ये मार्केट लगेगी तो शायद हमें अब ज़्यादा कमाएंगे हम और हमारी जो प्रोडक्ट है वो भी बिकेंगे। इससे पहले कहाँ बेचते थे आप? इससे पहले तो हम जैसे गांव में डोर टू डोर ऐसे एक दूसरे को दे लेते थे, एक्सचेंज कर लेते, तो हमें प्रॉपर प्राइस भी नहीं मिलता था और मार्केट भी नहीं थी। यहाँ पे हमें ये जो जायका वालों ने जो ये वीकली मार्केट लगाना शुरू की इससे आज जैसे हमारे काफ़ी प्रोडक्ट आज बिक गया तो इससे फ़ायदा ही है हमें भी, एक ही जगह पर सारा सामान हमारा बिक रहा है।